आज हम बनाएंगे अचारी वेज पार्सल। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। मौसमी सब्जियों के कारण ये पार्सल बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पार्सल बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो बनाने के लिए मैंने ये आटा लिया है, ये मैंने ये वाली 1 कटोरी आटा लिया है। आप चाहें तो आधा आटा आधी मैदा ले सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आप चाहें तो मैदा से ही बना सकते हैं। और इसमें मोहन के लिए हम 2 चम्मच ये ऑयल डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ऑयल को आटा में अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। ये मैंने सॉफ्ट आटा लगा लिया है, ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है। देखिए इस तरह से सॉफ्ट आटा लगाना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। पार्सल के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। ये मैंने एक पैन रख दिया है, इसमें हम ये 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को हम क्रैकल होने देंगे। अब इसमें हम कुछ सब्जियां डाल देंगे, ये कटी हुई हरी मिर्च और ये कटा हुआ प्याज। और 1 शिमला मिर्च कटी हुई। और ये मैंने 2 छोटी छोटी गाजर को कद्दूकस कर लिया है। और ये 1 छोटी कटोरी पत्ता गोभी। अब इनको हम थोड़ी देर भूनेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची ही रखना है। बस सब्जियों में जो नमी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। सब्जियों में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये हम 1 चम्मच अचार मसाला डाल देंगे, ये मेथी अचार मसाला है। और ये 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे हम और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसालों के साथ भी थोड़ी देर सब्जियों को पकाएंगे जिससे मसाले भी अच्छे से बन जाएं। ये जो मैंने अचार मसाला डाला है ये बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये मेथी अचार मसाला है, मेथी के फ्लेवर वाला। आज हम अचारी पार्सल बना रहे हैं ना, इसलिए आज मैंने ये मसाला यूज किया है इसमें। ये स्टफिंग तैयार है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हरा धनिया मिक्स कर देंगे। स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने स्टफिंग को एक प्लेट में रख दिया है, अब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। हम थोड़ा सा इसमें मसाला और नमक टेस्ट करते हैं कैसा है। बहुत ही मस्त स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। कलर देखिए इसका कितना लाजवाब है।
अब हम डो चेक कर लेते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, डो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये मैंने लोइयां बना ली हैं। हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इन्हें पतला पतला बेल लेंगे। बहुत ही पतला बेलना है। ये मैंने बहुत ही पतली रोटी बेल कर तैयार कर ली है। इतनी बड़ी लोई से मैंने ये इतनी बड़ी रोटी तैयार कर ली है। देखिए काफ़ी पतली रोटी बेल कर तैयार की है। अब इसमें हम स्टफिंग लगा लेंगे। पूरी रोटी में अच्छे से स्टफिंग लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलट कर बंद करेंगे, हल्का सा दबा देंगे। अब इस हिस्से पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ये मैंने ऑयल अच्छे से लगा दिया है। अब हम एक साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर से ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे। ये देखिए ये हमारा अचारी वेज पार्सल तैयार है। और मैंने सेलो फ्राई करेंगे। इस तरह से हम और भी पार्सल बना लेंगे। इतने आटे से मेरे ये 5 पार्सल बनकर तैयार हुए हैं। हम इन्हें सेलो फ्राई करेंगे। ये मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें पार्सल को फ्राई करेंगे। पार्सल को हम लो फ्लेम पर आराम से फ्राई करेंगे। अचारी पार्सल को हम इसी तरह से पलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छे से कलर आ गया है। इस तरह से हम सभी पार्सल सेक लेंगे। ये मैंने सभी पार्सल फ्राई कर लिए हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। ये हमारे अचारी वेज पार्सल तैयार हैं। इन्हें मैंने हरी धनिया की चटनी और दही की डिप के साथ सर्व किया है। आप लोग भी इन्हें बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। और इन्हें हम दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग परत बनी है इनकी। बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं ये खाने में। यदि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।